अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है सक्सेसफुल ग्रेजुएट यूट्यूब चैनल पर। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपको ये रेड कलर का बटन नज़र आ रहा है, इसको प्रेस करें, बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि आपको हर नई आने वाली एजुकेशन की न्यूज़ सबसे पहले मिल सके। आपकी मैं सारी कन्फ्यूजन जो वो साथ साथ दूर करता जा रहा हूँ। तो एक बहुत ही बड़ा जो सवाल है वो आ रहा है जी, कि क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी में? मेरे 271 मार्क्स हैं, मेरे 250 मार्क्स हैं, मेरे 300 मार्क्स हैं, मेरे टोटल 450 मार्क्स हैं, मेरे 500 मार्क्स हैं। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो आपको मैं बात क्लियरली जो वो कुछ समझा देता हूँ। ये मैंने आपको पूरी मेरिट फार्मूला जो 2020 का जो मेरिट का था, लास्ट मेरिट जो स्टूडेंट का आया था, मैंने आपको बोला था कि वो आप देख लो, ठीक है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो नहीं देखा तो मैं फिर भी जब वो आपकी थोड़ी सी जब वो कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करता हूँ। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी और मेरी जो बात जो मैं करने लगा हूँ वो आपको जो है वो ठीक लगेगी। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो थर्ड ईयर की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो वो अप्लाई करें, ठीक है। चाहे आपका 250 मार्क्स है, चाहे आपका 300 मार्क्स है, चाहे आपका जो है वो 400 मार्क्स है 400 में से, ठीक है। तो मैं आपको एक बात क्लियरली समझा देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं जी कि मेरिट हाई होगा या लो होगा। मेरे अकॉर्डिंग जो है वो इस बार जो है वो मेरिट आपका थोड़ा लो रहेगा। वो लो क्यों रहेगा? आपको पता है एडमिशन वो जो रिजल्ट आए थे बीए बीएससी एडीपी के, आपको पता है कि रिजल्ट जो है वो बहुत ही बुरे आए थे, ठीक है। मैंने तकरीबन जो है वो 500-600 बच्चों का रिजल्ट निकाला था, तब जो है ना मेरे सामने सिर्फ दो स्टूडेंट गुजरे थे 500 मार्क्स वाले 800 में से, बाकी सब बच्चों के जो मार्क्स है ना वो 300 से लेके 450 की रेंज में थे, ठीक है। तो इस बार जो है वो मेरिट जो है वो आपका ठीक रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि यूनिवर्सिटियों ने इतने मार्क्स नहीं दिए स्टूडेंट्स को, ना ऑनलाइन में नंबर वो मार्क्स मिले, ना फिजिकल में मार्क्स मिले। आपको पता है कि बच्चे रो रहे थे कि रिजल्ट हमारा इतना बुरा आया, आईयूबी का भी रिजल्ट बुरा आया था, पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी जो है वो मार्क्स बस ना होने के बराबर ही दिए थे। तो इसलिए जो है वो मेरिट आपका लो रहेगा, ठीक है। तो अगर आप इस मेरी बात से एग्री करते हो तो कॉमेंट के अंदर डन लिख दीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको ये जो मेरिट की 2020 की जो फार्मूला ये सारा कुछ है, ये आपको चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हो। यहाँ पे आप क्लियरली मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो एमएससी लिखा है ना, यहाँ पे आप अपने बीएस फिफ्थ सेमेस्टर जो है वो लिखना है, ठीक है। मतलब कि ये एमएससी टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का मेरिट है ना, आपने ये एमएससी ख़त्म कर देना, यहाँ पे एक लफ्ज़ आ जाना बीएस फिफ्थ सेमेस्टर, मेरिट यही है, ठीक है, जस्ट नाम चेंज हुआ है। तो इसलिए जो वो आप लोग अपना अपना मेरिट निकाल लें। मैंने आपको ये मेरिट का फार्मूला भी दिया था, ये आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो जो है, ठीक है। ये मुकम्मल तरीके की भी वीडियो अपलोड कर दी है, मैं वीडियो सारी अपलोड कर रहा हूँ लेकिन स्टूडेंट वीडियोस देखते नहीं है, पता नहीं क्या मसला है, क्या नहीं स्टूडेंट को मसला है, ठीक है। कुछ लोग जो है वो वीडियोस को डिसलाइक कर रहे होते हैं, कुछ जो है वो हसद कर रहे होते हैं। अल्लाह पाक आप सबको जो है वो हदायत दे। आप जो है वो काइंडली जो भी चीज़ है आपकी प्रॉब्लम है, आप वीडियोज़ देख लिया करें। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, हर टॉपिक के ऊपर इसीलिए वीडियो कवर करता हूँ, ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए, ठीक है। तो दुआओं में याद रखिएगा और सक्सेसफुल ग्रेजुएट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।